एक हमारे पास लाइन होती है इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस की, एक लाइन होती है हमारे पास वाई एक्सिस की। जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। ये वाली लाइन हमारे पास होती है हॉरिजेंटल। इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। और एक्स कैपिटल इधर राइट साइड पे पॉजिटिव होती है इसकी वैल्यू, और लेफ्ट साइड पे इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, उसको हम बोलते हैं एक्स डैश। इसी तरह वाई एक्सिस इसको बोलते हैं, ये वाली लाइन होती है हमारे पास वर्टिकल लाइन। और इसके ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव और नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव। जब भी आप ग्राफ को ड्रा करते हैं, जैसे हमने अभी पिछले इससे अगले चैप्टर में अभी डिस्कस किया था थोड़े दिन, इसमें ही ग्राफ बनाते हैं हम इस एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना, तो इसमें हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हमारे पास देता है, जैसे वो फिजिक्स में आपने उसकी पढ़ी थी कोऑर्डिनेट सिस्टम था फोर्सेस का, उसमें आप वो वैल्यू निकालते हैं एफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। वो जब आप निकालते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई दोनों का स्क्वायर, फिर इनका हमारे पास अंडर रूट वगैरह आता है। लेकिन वो सारे का सारा हम बेसिकली करते किस में, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। हमारे पास एक पॉइंट इधर मालूम होता है, जो हम जिसे हमने वो बोला था पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं। पॉइंट्स ड्रा करने के बाद हमारे पास जो आपस में एक दूसरी लाइन कट करती है वो हमारे पास आती है उसमें कॉर्नर पॉइंट्स में। अब ये सारे के सारा सिस्टम जो है एक्स वाई प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आपको ये भी पता है कि जो एक्स वाई, ये एक एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें ना। सबसे पहली वैल्यू लिखते हैं हम एक्स की ऑर्डर पेयर में ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में हमारे पास पहली वैल्यू होती है एक्स की और दूसरी वैल्यू होती है वाई की। जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं, दो वर्ड बोलते हैं इसके लिए, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। और इसका अल्टरनेट नेम है, इसको अब्सिस्सा बोलते हैं। और वाई एक्सिस है, इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ये एमसीक्यू काफी मरतबा पेपर में आ चुका है कि एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिस्सा। वाई एक्सिस जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट ओनली। ये एमसीक्यू काफी दफा पेपर में आ चुका है और आता भी है, मतलब नेक्स्ट भी आएगा। फिर उसके बाद बात होती है इनके क्वाड्रेंट की। ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारे पास इसका सेकंड, ये हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये होता है हमारे पास इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको ये भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होती है, वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स की वैल्यू इधर क्या होती है, हमारे पास नेगेटिव होती है। और इधर हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इधर सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड में हमारे पास एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो इधर हमारे पास आएगी एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। फोर्थ वन में हमारे पास जो होती है एक्स की वैल्यू वो होती है पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला साइड आ रही है उसमें, राइट साइड आ रही है, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई की वैल्यू उसमें नेगेटिव होती है, तो वाई की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी। ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो इनिशियल काम। और इसमें ही हम कोई ना कोई पॉइंट हमारे पास इस तरह दे देंगे, 6 और 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड के लिए वो दे देंगे -6 और 2 वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड में -6 -2 ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे।
और फोर्थ वन में हमारे पास सिक्स और माइनस टू, ये चार हमारे पास बन जाएंगे इसके क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इनमें मतलब आपको पता है ड्रॉ कैसे करना है, वो उसके 6 पॉइंट तक जाना है और इसके 2 पॉइंट तक जाना है, फिर इसी तरह इस -6 तक और इसके 2 तक, ये सारे के सारे आपको ड्रॉ करने आते हैं, क्योंकि 5 चैप्टर नंबर 5 आपने कर लिया पहले, ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद एक फार्मूला आता है हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला शुरू से हम डिस्टेंस की डेफिनेशन करते आ रहे हैं। डिस्टेंस हमने कभी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, मतलब लेट सपोज ये एक रूम है, इस रूम के इधर वाली दीवार से लेके दूसरी दीवार का डिस्टेंस हम कह देते हैं, ये दीवार है ए, ये दीवार है बी, हम नॉर्मली कह देते हैं बी में से ए माइनस कर दो, या हम कह देते हैं ए में से बी माइनस कर दो, और जवाब हमेशा जो डिस्टेंस हमेशा जो होगा ना, डिस्टेंस मेजरमेंट मतलब जो भी होगी ना, वो डिस्टेंस में आ सकती है, उसमें लेंथ वेट हाइट, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अगर नेगेटिव भी आ रही है उसको नेगेटिव आपने इग्नोर कर देना है, हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू आएगी जो भी उसकी वैल्यू आएगी। फाइव पॉइंट टू करनी है, आपको बताया था 5.2, उस 5.3 जिसको आती है ना उसके लिए 5.2 कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें हम देखते हैं, हमने देखना है इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक्स वाई प्लेन में हमने देखना है, इसमें हमारे पास बेसिकली होता है एक ऑर्डर पेयर, जैसे ये आपको बताया, ये एक ऑर्डर पेयर है हमारे पास। अब इस ऑर्डर पेयर में हमारे पास दो ऑर्डर पेयर बताए होंगे, मतलब ये ओरिजिन होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसके सेंटर पॉइंट्स होते हैं हमारे पास 0 0। अब इधर ओरिजिन से हमने मेजरमेंट मतलब किसी की भी करनी है, लेट्स सपोज इस पॉइंट की करनी है, या इन दो पॉइंट्स के आपस में मेजरमेंट करनी है, तो उनके दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको कैसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल डी, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तो उसको हम लिख सकते हैं ए बी का, ये एक ऊपर एरो हेड डालते हैं हम, और ये हमारे पास, या हम इसको लिख सकते हैं सिंपल, ये सारे एमसीक्यूज में आते हैं, मेजरमेंट ए बी की मेजरमेंट, या इसको लिख सकते हैं ए बी और सिंपल ऊपर लाइन, ये चार नोटेशन हमारे पास हैं डिस्टेंस फार्मूला के। इनमें से कोई भी अगर वो कहे कि मतलब ये फाइंड आउट करो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इनका डिस्टेंस फार्मूला के जरिए हमने डिस्टेंस मालूम करना है। अब इसका फार्मूला बेसिकली क्या होता है, डी इक्वल टू ए बी, लेट सपोज आपके पास दो हमारे पास ऑर्डर पेयर है, एक ऑर्डर पेयर आपके पास ए पॉइंट वाला, उसमें आ रहे हैं ऑर्डर पेयर एक्स वन और वाई वन, इसी तरह हमारे पास एक बी पॉइंट है, उसमें भी आपके पास दो पॉइंट्स आएंगे, वो हम रख लेते हैं एक्स टू वाई टू। अब इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस फार्मूला हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है एक्स टू पहले में से पहला माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल का स्क्वायर। अब इसका फार्मूला एक ये है, एक फार्मूला हम इसको भी लिख सकते हैं, आप ही आपको बताया ना, ये ए माइनस बी या बी माइनस ए करेंगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रखनी है, पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। अब आप कहते हैं कि अगर हम कर देते हैं सर एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, तब भी ये आंसर बिल्कुल ठीक है, तब भी ये गलत नहीं है, तब भी ये बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि ये स्केयर उसके माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये था हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स के दरमियान हमने जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चंस में हमने यूज करना है, उसमें एक हमारे पास इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना एक्स वाई प्लेन में कोई ट्राइंगल बना देगा वो, या वो हमारे पास हमें पॉइंट्स इस तरह के देगा जिसमें हमारे पास वो स्केयर बन रहा होगा, या वो बन रही होगी हमारे पास ट्राइंगल शेप बन रही होगी, मतलब इन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही हमने रहना है, लेकिन जो पॉइंट्स उसने देना है उस पॉइंट्स के मुताबिक वो देखना पैरेललोग्राम बनती है कि नहीं, बनी होगी तो हमने चेक करना कि पैरेललोग्राम है या नहीं है। जैसे हम अगर लेट्स सपोज स्केयर है, स्केयर क्या हमने क्या करना है, अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये सी और डी, तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट दोनों का डिस्टेंस लेना है,
ए बी का डिस्टेंस अगर बराबर आ जाता है सी डी के डिस्टेंस के या डी सी के डिस्टेंस के, वो कोई मसला नहीं, वो आपको बोलेगा कि माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हम कहेंगे कि हाँ ये एक हमारे पास क्या है, मतलब इन चारों का डिस्टेंस ले लो, बेशक ए डी आगे ए डी का स्क्वेयर डिस्टेंस, आगे ले लो आप बी सी का डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस आप चारों बराबर आ रहे हैं आप कहेंगे हाँ जी ये एक हमारे पास है स्केयर है, स्केयर की हमारे पास बनी हुई है शेप ना, स्केयर शेप है। फिर इसी तरह ट्राइंगल का, इसी तरह पैरेललोग्राम का डिफरेंस इनका मेथड है इनको फाइंड आउट करने का ना। जैसे आप इसने एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जाम्पल में ये पूछता है कि हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का इसने बना दिया उसमें ना बनाई है कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक सर्कल है। अब कहता है इस पॉइंट से एक पॉइंट ये पी दिया हुआ है और ये सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट है वो एग्जैक्टली ये नहीं आ रहा, उसका रीजन नहीं आ रहा, तो कहता सेंटर से मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, और सेंटर के पॉइंट्स भी उसने बताए हुए हैं और इसके भी पॉइंट्स बताए हुए हैं। सेंटर के पॉइंट्स उसने बताए हैं -5 और 3, जबकि उस पॉइंट के जो सर्कल के बाउंड्री पे पॉइंट है उसके पॉइंट्स उसने बताए हुए हैं 7 और -2। जब हम इनका फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, सी पी भी करेंगे पी सी भी करेंगे, दोनों तरीक़ों से देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 7 -(+5) प्लस -2 -3 का होल का स्क्वायर, ये बन गया 12, 12 का स्क्वायर 144, ये बन जाएगा 6 ओ सॉरी 5, 5 का होल का स्क्वायर 25, और ये बन गया 169 और ये बन गया 13। अगर हम यही क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से, जैसे ये माइनस वाला आपको बताया था, अभी हमने किया है 7 में से ये माइनस किया है, अब हम करते हैं -5 में से -5 -7, -5 में से पहले में से दूसरा माइनस कर रहे हैं, +3 माइनस माइनस से ये +2 हो जाएगा, फिर भी क्या बनेगा -12, -12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, अगेन हमारे पास आंसर वही बनेगा 169 और 13। तो ये हमारे पास था सिंपल जो डिस्टेंस फार्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दो पॉइंट्स अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम इनका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो कहे कि इसका निकालना है आपने ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, तो आपको पता है एक पॉइंट उसके हमारे पास हो जाएंगे 0 0 और दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा जो भी उसके X1 और Y1 पॉइंट गिवन होंगे। तो फिर उसके बाद कहता है कि हमारे पास पॉइंट डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ टू पॉइंट्स इनटू गिवन रेशियो, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा रेशियो फार्मूला, रेशियो फार्मूला आपको शायद याद हो, उसमें 7 चैप्टर में भी आपने डिस्कस किया होगा, वो जिसमें के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई करते हैं वही कांस्टेंट दोनों नीचे सामने आ जाता है उनका। सेवन चैप्टर वेक्टर वाले चैप्टर में था ये वाला ना फॉर्मूला, जिसमें आप फाइंड आउट करते थे उनकी रेशियो। तो रेशियो फार्मूला के लिए कहता है कि आपके पास एक पॉइंट है, मिडपॉइंट सॉरी का फॉर्मूला कह रहे हैं आप, किसका, मिडपॉइंट का। अच्छा एक मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट का तो सिंपली मैं बताता हूँ, दोनों पॉइंट बताता हूँ। मिड पॉइंट अगर ए और बी का मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना हो ना, तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, X1 में X2 ऐड करो, उनको 2 पे डिवाइड कर दो, इसी तरह Y1 में Y2 ऐड करो और उसको 2 पे डिवाइड कर दो, ये टोटल सॉरी ऐसे आना है, ठीक है, ये मिड पॉइंट होता है।
मैं बात कर रहा हूँ इधर रेशियो फार्मूला। रेशियो फार्मूला में मतलब आपके पास उधर क्वेश्चन थे, उसको आप 1/3 रेशियो में, 2 ये रेशियो 1, ये ए पॉइंट होता है इधर, बी पॉइंट, ये पॉइंट सी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, और 1 + 2 नीचे आ जाता है उसमें। मतलब ये आ जाएगा 1 × b, शायद अगर आपको याद आ जाए, 2 × a, 1 + 2, इस तरह का फॉर्मूला था उसमें। इसको रेशियो में हमने करना है ना, रेशियो में। तो अब ये देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये दो पॉइंट्स गिवन है, इन दो पॉइंट्स को कहते हैं हमने गिवन पॉइंट्स इन द प्लेन है। प्लेन हमारे पास है कौन सा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो, रेशियो कौन सी में डिवाइड कर रहा है इनको, के वन और के टू, आप यही देख लें, ये के वन है, ये के टू है। ये पॉइंट आप रख लें इधर ए रख लें पॉइंट, इधर पॉइंट रख लें आप बी। ए के पॉइंट क्या है, x1 y1, बी के पॉइंट क्या है, x2 y2। अब के ने मल्टीप्लाई होना है पूरे पॉइंट्स इसके साथ, और के टू ने पॉइंट्स मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, लेकिन इनिशियल में इनिशियल, पहले वाले में पहला, एक्स में एक्स, ये इसमें बात आपने याद रखनी है, एक्स में हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट ऐड होगा और वाई में हमेशा वाई कोऑर्डिनेट। अब के वन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन जाएगा, के वन x2 + अब ये वाला पहला इसका k2 x1 डिवाइडेड बाय k1 + k2, ये x के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरह अब k1 को मल्टीप्लाई किया अब हमने y2 के साथ, प्लस k2 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 के साथ, और डिवाइडेड बाय उसी तरह k1 + k2। ये होता है रेशियो फार्मूला, मतलब उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देना। अब इसमें तो हमने इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है ना, उसमें आपको जैसे अभी मैंने बताया था 1:2 में डिवाइड कर दो, 3:5 में कर दो, वो k1 की और k2 की वैल्यू होती जाएगी। अगर हम इसको यही क्वेश्चन करते हैं, इधर आ जाते हैं हमारे पास पॉइंट 3 और 8, और इधर पॉइंट आ जाते हैं 6 और 7, तो इधर हमारे पास हम डिवाइड कर देते हैं इसको 7:8 में, हम कह देते हैं। अब 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 7 × 3 + 8 × 6, 7 + 8 दरमियान में कॉमा, फिर अब 7 मल्टीप्लाई होगा 8 से, 7 × 8 + 8 मल्टीप्लाई होगा 7 से, इधर 8 × 7 डिवाइडेड बाय 7 + 8। इस तरह ये क्वेश्चन आ गए जो हमने यूज करने हैं, उसमें ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है। ठीक हो गया यहाँ तक, क्लियर है? सर यहाँ यस से बता दें, कहाँ से? यहाँ से। यहां से ये देखो ना, यही तो आपको बताया, अगर तो आपने 7वां चैप्टर किया होता है ना, तो आपको ये मुश्किल नहीं लगना था। 7 चैप्टर में ही सारा ना डिटेल में बताया हुआ है, जैसे वो सफा ने पूछा था कि मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट और होता है और इसमें रेशियो फार्मूला और होता है। रेशियो फार्मूला में ना इसको रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1:2, 1:1, 2:2, जैसे ये मैंने 7:8 सर की। आपने करवाया तो नहीं है अभी 7वां चैप्टर? चले वो करवा देंगे ना। अब इसमें देखें हमारे पास, अब k1 रेशो और k2 रेशो है, ये पॉइंट है ए और बी, ये पॉइंट हमने जो लिखे हुए हैं इधर, तो अब इन पॉइंट्स को हमने डिवाइड कर दिया k1 रेशो k2 रेशो में। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इस पे रेशियो फार्मूला जो हमारे पास लगता है वो कैसे लगता है, के टू को हमने, मतलब इन शॉर्ट हमने के टू ये जो पूरा आ रहा है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों के साथ, ये क्या बन जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, के टू को मल्टीप्लाई कर दिया x1 और y1 के साथ, प्लस k1
K1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने X2 और Y2 के साथ, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, K2 X1 कॉमा ये क्या बन जाएगा K2 Y1, सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, दरमियान में प्लस K1 X2 कॉमा K1 Y2। अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमेशा x में x ऐड होगा, y में y ऐड होगा, पहले में पहला ऐड करो, ये क्या बन गया K2 X1 और इधर से क्या बन गया प्लस K1 X2 कॉमा, इधर से क्या बन गया K2 Y1 प्लस K1 Y2। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मैं बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन हमारे पास इस तरह है। यस सर। ठीक हो गया। और रेशो किस कितनी रेशो में, जैसे वो आपको पांचवी सातवीं में सवाल आते थे कि दो तीन लोगों ने बिजनेस शुरू किया, एक ने रेशो डाली उसमें 1%, एक ने रेशो डाली उसने, एक बंदे ने उसमें डाला है 1,000 रुपया, दूसरे बंदे ने में डाला है उसमें 2,000, तीसरे बंदे ने 3,000, तो उनकी रेशो मतलब इस रेशो के साथ उन्होंने पैसे डाले हैं, आप क्या करते थे वो टोटल पैसों को जमा करते थे, उनकी रेशो कितनी होती थी उनको, नीचे वाली वैल्यू कहाँ से आई K1 K2? कौन सी ये नीचे वाली वैल्यू कहाँ से आई K1 K2? तो यही तो बता रहा हूँ कि रेशो जो है, रेशो है ना हमारे पास, रेशो, हाँ हाँ रेशो है ना हमारे पास दो पॉइंट्स की, ये दो पॉइंट्स की रेशो, रेशो का मतलब नाम ही क्या है रेशो का, रेशो बोलते किसको है, डिवीजन को, जिसे आप कसर बोलते रहे हैं, अगर ये जैसे K1 और K2 रेशो, ये इसका मतलब ये है, जैसे ये आपने मैट्रिक में पढ़े थे क्वेश्चन K1 रेशो K2, ये वाला सवाल था। तो रेशो ये हमारे पास रेशो में आएगा हमारे पास ना, ये वाले आपको बताया कि उस बंदे की, जैसे आपको अभी मैंने बताया कि इस बंदे ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो आप वो भी छोड़ दो, आप यही देख लो जो इनहेरिटेड में विरासत में आपको मिलते हैं पैसे, बहन और भाइयों को वो टोटल पे डिवाइड करते हैं ना, मतलब बहन का इतना हिस्सा, भाई का इतना हिस्सा, वो ऐड किया डिवाइडेड बाय टोटल 3, भाई के 2 हिस्से, बहन का 1 हिस्सा, तो डिवाइडेड बाय 2, वो उसके आगे हिस्सा जितना जितना उनका आएगा, वो हिस्सा आ रहा है x और इधर x1, इधर टोटल हिस्से आगे। ठीक हो गया जी सर। चलो सही हो गया, मिड पॉइंट का भी क्लियर हो गया या उसका भी सर? बस आज इतना ही, बस चले, हाँ इतने काफी है, मिड पॉइंट का दोबारा देख लें, इसके बाद मिड पॉइंट आता है, मिड पॉइंट अभी मिड पॉइंट की बात की थी, मिड पॉइंट हमने निकालना है इनका ए और बी का मिड पॉइंट, ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो हम ए डैश से शो करते हैं, मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब फर्स्ट में फर्स्ट ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड, मिड क्या होता क्या है, मतलब ये दो द्वारें हैं इनका मिड पॉइंट निकालना है, आपने क्या करना है इन दोनों द्वारों की लेंथ जमा करनी है, उनको 2 पे डिवाइड कर देना है, मतलब फिर उनका दरमियान वाला मिड आ जाएगा, इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक हो गया सर? जी जी सर, टेस्ट कब बता दे? हाँ भी बोलो, टेस्ट कब देना है आप लोगों ने? सर नहीं देना, टेस्ट नहीं देना, क्योंकि टेस्ट पीछे, टेस्ट पीछे रह गए हैं 4-5 दिन इस मंथ के ना, इस मंथ के 4-5 दिन रह गए हैं, तो टेस्ट जो है ना वो नेक्स्ट मतलब पेंडिंग कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ। ठीक है सर, 25 तक होनी क्लासेस बस इंशाल्लाह। चले अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, 6 दिन है ये, 6 दिन में हम कोशिश करेंगे, 4.1 तो छोटी सी है,
मतलब ये छोटी भी है और उसके बाद इतनी। खुल जानी है। हम कोशिश करेंगे कि क्या उसका नाम है, दुआ करो ना आप लोग कि खुल जाए। हम कोशिश करेंगे कि क्या उसका नाम है, 4.3 तक का ना, मतलब हम कोशिश करेंगे कि वाइंड अप हो जाए। फोर पॉइंट थ्री तक हमारी कोशिश होगी कि वाइंड अप करेंगे हम, लेकिन 4.3 तक मेरे ख्याल में जाना मुश्किल ही होगा, क्योंकि उसके पीछे फार्मूलाज बहुत हैं अभी। जो फार्मूलाज हमने डिस्कस करने हैं ना, वो फार्मूलाज बहुत हैं।